नमस्कार दोस्तों, रेनाटेक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताया गया है ई पैन कार्ड फ्री में अप्लाई कैसे करते हैं। तो दोस्त, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक रियोरंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रियोरंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के इस वीडियो में RKR नॉलेज से राहुल कुशवाहा ने इस वीडियो को बनाया है। और अगर आपको दोस्त इनके वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से कि डायरेक्ट आप RKR नॉलेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कंप्यूटर और टेक से रिलेटेड वीडियो पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, हम हैं राहुल और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं RKR नॉलेज में। दोस्तों, फ्री में ई पेन अप्लाई करने के लिए आपको कुछ बातों की ध्यान रखनी पड़ेगी और ये सीमित समय के लिए ऑफर है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। जिन लोगों के पास पहले से ही पैन कार्ड है उन्हें ई पेन अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह ई पेन सेवा केवल निवासी व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध है। इसे फर्म्स, ट्रस्ट और कंपनियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें कि इसके लिए आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा, तो आपके पास आपका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। आधार OTP के जरिए आधार KYC पूरा होने पर ई पेन की एप्लीकेशन पूरा हो जाए। और दोस्तों, ई पेन आधार की डिटेल्स पर ही जनरेट किया जाता है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी डिटेल्स गलत है, मीन्स कि आपका नाम, एड्रेस, जन्म या कुछ भी, तो आप ई पेन बनाने से पहले उसे UIDAI की साइट पर जाकर सही कर लें। उसके बाद ही ई पेन अप्लाई करें। और एक बात और ध्यान रखें कि ई पेन अप्लाई करने के लिए आपके पास आपके सिग्नेचर की सेकंड कॉपी होनी चाहिए, जिसका रिजोल्यूशन 200 DPI और JPG फॉर्मेट 10 KB साइज होनी चाहिए मैक्सिमम, और कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। और आपके पास आधार कार्ड है तो आपका प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आधार के डिटेल्स के बेस पर ही ई पेन जनरेट किया जाता है। आवेदन पूरा होने के बाद आपको 15 डिजिट का नंबर ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, सब जानते हैं ई पेन अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइप करते हैं इनकम टैक्स इंडिया efiling.government.in, ये वेबसाइट है। इसको जब ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस होगा, इसका क्लोज कर दें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर आपको आधार कार्ड से लिंक कराना है तो लिंक आधार पर क्लिक करिए, और इंस्टेंट ई पेन अप्लाई के लिए यहाँ पे क्लिक करिए। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके पास एक कुछ इंपॉर्टेंट नोट होगा जो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा है तो आपको यहाँ पे चेक इंस्टेंट ई पेन स्टेटस पे क्लिक करना है, अगर स्टेटस चेक करना हो तो। नहीं तो हम यहाँ पे अप्लाई इंस्टेंट ई पेन पे क्लिक करेंगे अगर अप्लाई करना है तो। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पास आपके पास कुछ गाइडलाइंस होगा जो कि आप ध्यान से पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। वो ये जो मैंने पहले बता दिया आपको कि आधार कार्ड की डिटेल होनी चाहिए और आपके सिग्नेचर की सेकंड कॉपी होनी चाहिए, आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स फिलअप कर देना है आधार कार्ड के बेस पे ही। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर की सेकंड कॉपी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है तो आपके स्क्रीन पर इसका मैसेज आ जाएगा, और अगर नहीं है तो आपका नंबर आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट टाइम। गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।